आज की कथा एक संदेश समाचार के साथ और अपनी वाणी की पुष्पांजलि श्रद्धांजलि के साथ प्रारंभ करूंगा। शनिवार 11 अप्रैल को हमारे बड़े निकटतम भक्त भारत मुंबई विरार निवासी श्रीमान विपुल उदेशी विपुल प्रभु का कल निधन हुआ और यह सुनकर हमारे हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। वैसे तो भक्त की मृत्यु नहीं होती है, शास्त्र में लिखा है कि भक्त के देह रूपी दीवार तो गिर जाती है, शरीर तो छोड़ना ही होता है, परंतु भक्त की कीर्ति, भक्त का यश, भक्त की सेवा युग युग तक अमर रहती है। तो कल हमारे बड़े निकटतम मानो हमारी यह प्रचार की टीम में एक बहुत अद्वितीय स्थान रखने वाले, बहुत सुंदर सेवा देने वाले विपुल प्रभु का निधन हुआ। वे हमारे इस भागवत कथा में हमारे प्रचार के दौरान विशेष करके ड्रामा की सेवा करते थे। वे बहुत सुंदर लीला करते थे, बच्चों को कराते थे और अपने अथक प्रयास से हमें प्रचार में बहुत सुंदर तरीके से मदद करते थे। बड़ा सौम्य स्वभाव था। तो यद्यपि भक्त के लिए इस संसार को छोड़ना बहुत सुखप्रद और बहुत आनंदप्रद होता है, क्योंकि भक्त इस संसार के मोह माया, इस संसार के दुख आदि से मुक्त होकर भगवान के धाम, अपने निज धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। सो पर्सनली इस भक्त के विषय में, इस भक्त के लिए पर्सनली उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, परंतु दुख हम जैसे भक्तों के हृदय में होता है कि ऐसे शुद्ध भक्त जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे हुए, ऐसे एक भक्त हमारे बीच में से चले गए। तो आज मैं इस पर मेरा दुख व्यक्त करता हूँ और मुझे चिंता होती है, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम, वैसे तो ये मेरा पूरा श्रोता समाज, ये जितने भी भागवत के श्रोता है उन सब को मैं मेरा कुटुंब मानता हूँ, और ये उदेशी परिवार के साथ तो कुछ विशेष ही हमारी आसक्ति और हमारा संबंध रहा। उनके भाई पंचतत्व प्रिय प्रभु जो बहुत वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भक्ति प्रचार में लगे हुए हैं, तो चिंता इस बात की होती है कि उनकी धर्म पत्नी हैं भावना उदेशी और छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद दो दो साल के ट्विंस बच्चे हैं, और उन्हें छोड़कर ये चले गए हैं, तो हृदय में चिंता और कष्ट तो होता है। परंतु जैसे कि कल हमने भागवत कथा में सुना कि जब भगवान कपिल देव का जन्म हुआ और जब भगवान कपिल देव बड़े हो गए, तो कर्दम ऋषि अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर चले गए। गत सत्र में हम सुन रहे थे कि जब कर्दम ऋषि जा रहे थे अपनी पत्नी आदि को छोड़कर, घर को छोड़कर, तो माता देवहूति उनके चरणों में बैठकर रोने लगी, पतिदेव आप मुझे छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आपके बिना मैं जीवन में सुखी नहीं हो पाऊंगी। और भक्तों, रामायण में यही बात देवी सीता राम जी को कहती हैं। जब भगवान राम सीता को छोड़कर जाते हैं, तब सीता ने भी यही कहा, और कर्दम ऋषि जब माता देवहूति को छोड़कर जा रहे हैं तो माता देवहूति ने भी यही कहा। प्राण नाथ तुम बीनु जग माही,
ते यदि कछु सुख नाही जिय बिनु देह नदी बिनवारी जिय बिनु देह नदी बिनवारी ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी प्राणनाथ तुम बिनु जग माही हे प्राणनाथ हे प्राण परमेश्वर देवहूति भगवान कपिल देव को और माता सीता राम जी को कहती है कि हे प्राणनाथ आप मुझे छोड़कर मत जाइए क्योंकि आपको आपसे बिलक होकर आपसे दूर होकर मेरे जीवन में सुख नहीं रहेगा क्योंकि जीव बिनु देह नदी बिन वारी क्योंकि इस जैसे प्राण के बिना यह शरीर कुछ काम का नहीं रहता है और जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं रहती है ठीक उसी प्रकार हे प्राणनाथ आपके बिना मैं इस संसार में कुछ काम की नहीं रहूंगी मेरे जीवन में सुख नहीं रहेगा तो ऐसे ही स्थिति कल उदेशी परिवार में हुई कि एक घर का सदस्य घर का वडिल उस सारे परिवार को छोड़कर गया तो कष्ट तो होता है परंतु भगवान कपिल देव परंतु कर्दम ऋषि ने जो माता देवहूति को कहा आज मैं इस उदेशी परिवार को यही कहना चाहता हूं कर्दम ऋषि के चंद शब्द हमारे विपुल उदेशी की श्रद्धांजलि में मैं कहना यही चाहता हूं कि भक्तों आत्मा अकेली आती है अकेली जाती है इस संसार में संसार का स्वरूप है मिलना और बिछड़ना इस जगत का तात्विक स्वरूप है मिलना और बिछड़ना और मिलने पर सुख होना बिछड़ने पर दुख होना यदि मैं आपको पूछूं कि देवालय में क्या होता है देवालय में क्या होता है देवालय में देवता होते हैं यदि मैं आपको पूछूं कि मदिरालय में क्या होता है तो सीधी बात है मदिरालय में मदिरा मिलती है मदिरा होती है यदि मैं आपको पूछूं भोजनालय में क्या होता है तो सीधी बात है भोजनालय में भोजन होता है जैसे देवालय में देवता ही होते हैं मदिरालय में मदिरा ही होती है भोजनालय में भोजन ही होता है वैसे भक्तों ये जगत दुखालय है इस जगत में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता और इस संसार में मिलना और बिछड़ना ये बहुत बड़ा दुख है लेकिन कर्दम ऋषि ने बहुत सुंदर बात बताई माता देवहूति को कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं लेकिन आप चिंता मत करो मैं हमारे अंश स्वरूप भगवान कपिल देव को छोड़कर जा रहा हूं तो ठीक उसी प्रकार एक भक्त से बिछड़ने का कष्ट है दुख है परंतु इसी आशा से कि वे एक नहीं वहां कर्दम ऋषि केवल एक पुत्र को छोड़कर गए थे यहाँ पर हमारे विपुल उदेशी दो दो पुत्र को छोड़कर गए हैं ताकि वे इस परिवार को संभाल सकें इस परिवार का ध्यान रख सकें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि इस परिवार को और विशेष हमारी भावना माता को शक्ति प्रदान करें ताकि वे अपना शेष जीवन अच्छे से जी सकें। और हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं और हम सब आपसे वचन देते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम भी आपके परिवार के सदस्य हैं, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में हम आपके साथ रहेंगे। भागवत कथा का पंचम दिन है और शायद आप भक्त सुन रहे हो तो विशेष विपुल उदेशी प्रभु के लिए एक विशेष कार्यक्रम इस भागवत कथा के बाद, 7 दिन कथा समाप्त होने के बाद इनकी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि के अवसर पर हम इसी प्रकार का ऑनलाइन क्लास करेंगे। सारे भक्त देश विदेश से आएंगे, विपुल उद्देशी के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और विशेष बात हम उस दिन बताएंगे।